Hello everyone. Everyone, I am Professor N.B. Chatti welcomes you all in the 39th lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have discussed about the necessity of the parallel operation of the alternator. Then we have discussed about some of the advantages of parallel operation. And lastly, we have discussed about the necessary conditions for parallel operation of the alternator, right? So that much of syllabus we have covered in the last lecture. Now in today's lecture, we are going to discuss about the synchronizing alternator to the bus bar. Alternator synchronize karayche apela bus bar sobat, theek hai? Manje apela alternator ani bus bar parallel operation gyaiche. Synchronize karna manje parallel operation gena, theek hai? एक तर दोन अल्टरनेटरचं पॅरल ऑपरेशन घेऊ शकतो आपण, किंवा एक अल्टरनेटर आणि तिथला बस बार या दोघांचं पॅरल ऑपरेशन घेऊ शकतो आपण, त्याला सिंक्रोनाइज करणं असं म्हणतो. त्याच्यासाठी सुद्धा काही कंडिशन्स आपण पाहिलेल्या लास्ट लेक्चरमध्ये. पहिली कंडिशन आहे, अल्टरनेटर व्होल्टेज हे सेम असायला पाहिजे बस बार व्होल्टेजच्या. हे अल्टरनेटरचं जे व्होल्टेज आहे ते बस बारच्या व्होल्टेजच्या इक्वलमध्ये पाहिजे. सेकंड, फ्रिक्वेन्सी जी आहे अल्टरनेटरची सुद्धा बस बार व्होल्टेजच्या फ्रिक्वेन्सीच्या इक्वलमध्ये पाहिजे. थर्ड कंडिशन पाहिली आपण, अल्टरनेटरचं जे फेज व्होल्टेज आहे ते रिस्पेक्टिव्ह फेज बस बारच्या फेज व्होल्टेजच्या इन फेजमध्ये पाहिजे, ठीक आहे? अल्टरनेटरचं जे फेज व्होल्टेज आहे ते रिस्पेक्टिव्ह बस बार फेज व्होल्टेजच्या इन फेजमध्ये पाहिजे. आणि चौथी कंडिशन पाहिली आपण, फेज सिक्वेन्स जे आहे अल्टरनेटरचा तो सेम असायला पाहिजे बस बारचा जो आहे तसाच, ठीक आहे? या चार कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्यानंतर आपण म्हणतो की अल्टरनेटर हा तिथल्या बस बार सिंक्रोनाइज झाला, ठीक आहे? सो इफ अबव कंडिशन आर सॅटिस्फाईड, अगर ऊपर के कंडिशन सॅटिस्फाय होते आहे, देन इट इज नेसेसरी टू सिंक्रोनाइज वन ऑफ द फेज ऑफ द अल्टरनेटर टू द करस्पॉन्डिंग फेज ऑफ द बस बार, ठीक आहे? या ऊपर के कंडिशन अगर सॅटिस्फाय होते हैं तो हमें अल्टरनेटर का एक फेज कौन सा भी, सपोज हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे अल्टरनेटर का आर फेज, हमें क्या करना होता है, वहाँ की करस्पॉन्डिंग जो बस बार का जो आर फेज है उसके साथ उसको सिंक्रोनाइज करना होता है, ठीक है? म्हणजे अल्टरनेटर का जो आर फेज आहे तो करस्पॉन्डिंग बस बारचा जो आर फेज आहे त्याच्यासोबत सिंक्रोनाइज करणे गरजेचं असतं. ते जर सिंक्रोनाइज झाला तर ऑटोमॅटिकली बाकीचे दोन फेजेस सुद्धा काय होतात, सिंक्रोनाइज होतात, ठीक आहे? त्यांना परत सिंक्रोनाइज करण्याची आवश्यकता नाहीये. कुठलाही एक फेज तुम्ही काय करायचा, सुरुवातीला सिंक्रोनाइज करून घ्यायचा, क्लिअर? त्यासाठी आपण दोन मेथड्स पाहतोय, त्यामध्ये पहिली आहे सिंक्रोनोस्कोप मेथड आणि दुसरी आहे लॅम्प मेथड, ठीक आहे? आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट इन द लास्ट लेक्चर this parallel operation is not included in I-scheme syllabus. It is only there in the G-scheme syllabus, right? But for your additional knowledge, extra knowledge, I have included these points in the slides, right? So in that, first we'll see the lamp method. So in lamp method, three lamps are connected across the synchronizing triple pole switch between the bus bar and alternator. लॅम्प मेथड मध्ये आपल्याला तीन लॅम्प्स कनेक्ट करायचे आहेत बस बार आणि अल्टरनेटर मध्ये. कशाच्या अक्रॉस मध्ये कनेक्ट करायचे हे तीन लॅम्प, सिंक्रोनाइझिंग ट्रिपल स्विचच्या अक्रॉस मध्ये, ठीक आहे? डायग्राम इथं दिसते तुम्हाला, हे सिंक्रोनाइझिंग स्विच आहे आपलं. आणि याच्या पॅरल मध्ये आपल्याला हे तीन लॅम्प्स L1, L2 आणि L3, हे तीन लॅम्प्स आपल्याला बस बार आणि अल्टरनेटरच्या मध्ये कनेक्ट करायचे, ठीक? समझवाया? तो यहाँ पे तीन लैंप्स आपको कनेक्ट करने हैं बस बार एंड अल्टरनेटर के बीच में, वो आपके सिंक्रोनाइजिंग ट्रिपल पोल के स्विच के अक्रॉस में होने चाहिए, वो लैंप्स यानी पैरेलल में होने चाहिए, ठीक है? ये सिंक्रोनाइजिंग स्विच है आपका और इसके पैरेलल में यहाँ पे तीन लैंप्स कनेक्ट किए हैं अल्टरनेटर और बस बार के बीच में. देन डिपेंडिंग अपॉन द लैंप कनेक्शन, आपके जैसे लैंप के कनेक्शन होंगे, सो देयर इंडिकेशन एट द इंस्टेंट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग देयर आर थ्री मेथड्स. जैसे आपके लैम्प के कनेक्शन हो गए और उसका जो इंडिकेशन होगा एट द टाइम एट द इंस्टेंट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग पे, तो उसके हिसाब से वहाँ पे तीन मेथड्स है आपके. एक होता है टू ब्राइट वन डार्क लैम्प मेथड, दूसरा है थ्री डार्क
लैम्प मेथड और ऑल डार्क लैम्प मेथड, तीसरा है थ्री और ऑल ब्राइट लैम्प मेथड। ऐसे तीन मेथड से आप वहाँ पे सिंक्रोनाइज कर सकते हो अल्टरनेटर को बस बार से, ठीक है, या फिर दो अल्टरनेटर्स को आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो। सो द सिंक्रोनाइजिंग ट्रिपल पोल स्विच इज प्रोवाइडेड टू कनेक्ट थ्री फेज टर्मिनल्स ऑफ द अल्टरनेटर टू द करस्पॉन्डिंग फेज टर्मिनल्स ऑफ द बस बार। ये जो आपका सिंक्रोनाइजिंग ट्रिपल पोल स्विच है, ट्रिपल पोल यानी यहाँ पे तीन पोल्स है, इसके एक पोल है, ये दूसरा पोल है और ये तीसरा पोल है, ठीक है, तो ये ट्रिपल पोल स्विच है, सिंक्रोनाइजिंग ट्रिपल पोल स्विच है। ये हमें वहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, जो फेज टर्मिनल्स है अल्टरनेटर के, वो वहाँ के करस्पॉन्डिंग फेज टर्मिनल जो है बस बार के, उसको कनेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइजिंग ट्रिपल स्विच को प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये जे अल्टरनेटरचे तीन टर्मिनल्स आहेत R1, Y1 आणि B1, हे तीन टर्मिनल्स इथल्या बस बारला, हे बस बारचे तीन टर्मिनल्स आहेत आर वाय बी, तर हे अल्टरनेटरचे तीन टर्मिनल्स इथल्या बस बारच्या करस्पॉन्डिंग बस बारच्या तीन फेज टर्मिनल्सला कनेक्ट करण्यासाठी आपण हे ट्रिपल पोल स्विच इथं प्रोव्हाइड केलेलं आहे। सो दि सिंक्रोनाइजिंग ट्रिपल स्विच इज क्लोज ओनली व्हेन इट इज अश्युअर्ड दॅट द इन्स्टंटेनियस फेज व्होल्टेजेस ऑफ द अल्टरनेटर आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग फेज व्होल्टेजेस ऑफ द बस बार। इथलं सिंक्रोनाइजिंग ट्रिपल पोल स्विच जे आहे, हे जे सिंक्रोनाइजिंग ट्रिपल पोल स्विच आहे, ठीक आहे, ते क्लोज होतं जेव्हा तिथलं इन्स्टंटेनियस फेज व्होल्टेज जे आहे अल्टरनेटरचं, ते तिथल्या करस्पॉन्डिंग फेज व्होल्टेज जे आहे बस बारच्या, त्याच्या इक्वलमध्ये जातं, ठीक आहे। जो आपका सिंक्रोनाइजिंग ट्रिपल पोल स्विच है वो आपका क्लोज होता है जब आपका वहाँ का इंस्टेंटिनियस फेज वोल्टेज जो रहेगा अल्टरनेटर का, वो वहाँ के करस्पॉन्डिंग फेज वोल्टेज जो है बस बार का, उससे इक्वल में आ जाएगा, तब आपका सिंक्रोनाइजिंग ट्रिपल स्विच पोल स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये सिंक्रोनाइजिंग ट्रिपल पोल स्विच है तो क्लोज होईल, कधी क्लोज होईल, जेव्हा तिथला अल्टरनेटरचं जे फेज व्होल्टेज आहे ते तिथल्या करस्पॉन्डिंग बस बारच्या व्होल्टेजच्या इक्वल मध्ये जाईल, ठीक आहे, तेव्हाच ते ट्रिपल पोल स्विच आपलं क्लोज होईल अँड आर वॅरिंग इन द सेम फॅशन, आणि ते सेम फॅशन मध्ये तिथं व्हॅरी केलं जाईल। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिटेल अबाउट द कनेक्शन, फॉलोइंग इथं एक टेबल दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये डिटेल कनेक्शन दिलेले आहेत अँड आणि इंडिकेशन दिलेलं आहे लॅम्प ऍट द टाइम ऑफ सिंक्रोनायझेशन, ठीक आहे। हा तो टेबल आहे आपला, इथं मेथड दिले आहे आपल्या, तीन मेथड्स आहेत आपल्याकडं, टू ब्राईट वन डार्क मेथड, थ्री डार्क मेथड अँड थ्री ब्राईट मेथड। तर आपण हे टू ब्राईट वन डार्क मेथडसाठी कनेक्शन डायग्राम वरती दाखवलेली तुम्हाला, त्यामध्ये कनेक्शन्स पहा कसे आहेत लॅम्पचे, लॅम्प L1 हा आर आणि B1 मध्ये कनेक्टेड आहे, लॅम्प 2 हा वाय आणि Y1 फेज मध्ये कनेक्टेड आहे, लॅम्प 3 हा B आणि R1 मध्ये कनेक्टेड आहे, ठीक आहे। एक बार हम फिर से डायग्राम की तरफ जाते हैं, यहाँ पे दिखेगा आपको, ये जो लैंप L1 है आपका वो किस में कनेक्टेड है, देखो ये R फेज है कॉमन बस बार का, ये यहाँ से यहाँ को आया है टर्मिनल, तो ये लैंप 1 को कनेक्टेड है, और ये टर्मिनल कहाँ पे कनेक्टेड है आपके B1 को, अल्टरनेटर का जो B1 टर्मिनल है उसको कनेक्टेड है, तो लैंप L1 किसको कनेक्टेड है, R एंड B1 को, ठीक है। यहाँ पे दिया है टेबल में, देखो टू ब्राइट एंड वन डार्क मेथड के लिए R एंड B1 में आपका लैंप L1 कनेक्टेड है, वैसे सिमिलरली Y एंड Y1 में लैंप 2 कनेक्टेड है आपका, यहाँ पे देखो, ये देखो ये Y है आपका और ये Y1 है आपका अल्टरनेटर का, तो इसमें आपका लैंप L2 कनेक्टेड है, और थर्ड जो है आपका लैंप L3 वो किस में कनेक्टेड है, बस बार का B एंड अल्टरनेटर का R1 टर्मिनल को कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे लैंप्स वहाँ पे कनेक्ट किए हैं, समझ में आया। अभी ऐसे लैंप कनेक्ट करोगे आप तो वहाँ पे दो बल्ब्स जो है आपके, दो लैंप्स जो है वो ब्राइट ग्लो करेंगे और एक डार्क ग्लो करेगा, तो इसमें इंडिकेशन एट द इंस्टेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन में L1 एंड L3 आपके ब्राइट डार्क ब्राइट आपके वहाँ पे ग्लो होंगे लैंप्स, एंड L2 आपका डार्क रहेगा, ठीक है। L1 एंड L3 आपके ब्राइट ग्लो होंगे लैम्प, ठीक है, और L2 आपका डार्क रहेगा, समझ लो, कनेक्शन समझ ले सगळे ना, लॅम्प L1 L2 आणि L3 कसे कसे कनेक्ट केलेले, ठीक आहे। लॅम्प L1 हा कनेक्टेड आहे आपला R आणि R जो आहे हा बस बारचा R फेज आहे, आणि तिथला B1 हा
अल्टरनेटरचा फेज आहे. तर आर आणि बी वन मध्ये हा लॅम्प एल वन कनेक्टेड आहे, नंतर लॅम्प एल टू हा वाय आणि वाय वन मध्ये कनेक्टेड आहे, आणि लॅम्प थ्री हा बी आणि इथल्या आर वन मध्ये कनेक्टेड आहे. तर असे कनेक्शन आपण टू ब्राईट आणि वन डार्क मेथडसाठी कनेक्ट केलेले. त्यावेळेस एल वन आणि एल थ्री हे ब्राईटली ग्लो होतात आणि एल टू हा आपला डार्क राहतो. ठीक आहे, थ्री डार्क मेथडसाठी कनेक्शन जे आहेत लॅम्पचे ते असे आहेत, आर आणि आर वन मध्ये आपल्याला लॅम्प एल वन कनेक्ट करायचा आहे, एल टू हा वाय आणि वाय वन मध्येच कनेक्ट करायचा आहे, आणि एल थ्री हा बी आणि बी वन मध्ये कनेक्ट करायचा आहे. तेव्हा सगळे लॅम्प्स हे डार्क राहतील आपले. ठीक आहे, आणि तिसरं थ्री ब्राईट मेथडसाठी आपल्याला कनेक्शन जे आहेत लॅम्पचे ते आर आणि वाय वन मध्ये आपल्याला एल वन कनेक्ट करायचा आहे, वाय आणि बी वन मध्ये एल टू कनेक्ट करायचा आहे, आणि एल थ्री लॅम्प हा बी आणि आर वन मध्ये कनेक्ट करायचा आहे. कनेक्शन या पद्धतीने केले तर ते तिन्ही लॅम्प्स आपले इक्वली ब्राईट होते. ठीक आहे, इक्वली ब्राईट ग्लो होती. तो ऐसे कनेक्शन करोगे आप ये टेबल के हिसाब से, तो यहाँ पे आप ये तीन मेथड के लिए कनेक्शन करोगे तो उसका इंडिकेशन हमें सिंक्रोनाइजेशन के वक्त ऐसा मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक फेजर डायग्राम दिखाएंगे. यहाँ पे आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है. ठीक है, अभी आप सपोज लैम्प ये देखो, ये एल वन लैम्प कहाँ पे कनेक्टेड है, ये एल वन लैम्प है आपका आर एंड बी वन में कनेक्टेड है. देन एल टू लैम्प जो है वो वाई एंड वाई वन में कनेक्टेड है, और जो एल थ्री लैम्प है वो आपका बी एंड आर वन में कनेक्टेड है. ये फेजर डायग्राम में भी यहाँ पे तीन लैम्प कनेक्ट करके दिए हैं, और ये किसके लिए कनेक्शन है आपके, टू ब्राइट वन डार्क मेथड के लिए. ठीक है, तो ये तीन लैम्प है, एल वन एल टू है एल थ्री. नाउ द अबाउट डायग्राम शोज द वोल्टेज फेजर ग्रुप आर वन वाई वन बी वन ऑफ द अल्टरनेटर एंड आर वाई वी ऑफ द बस बार. यहाँ पे दो वोल्टेज फेजर ग्रुप दिखाए हैं. ठीक है, ये जो है इसमें दो फेजर ग्रुप दिखाए हैं, ये जो है आपके तीन है आर वाई बी, ये बस बार के फेज वोल्टेजेस हैं, और ये आर वन वाई वन एंड बी वन आपके अल्टरनेटर के हैं. ठीक है, ऐसे दो फेजर ग्रुप वहां पे दिखाए हैं. वोल्टेज फेजर ग्रुप जो है आर वन वाई वन बी वन वो अल्टरनेटर का है, एंड आर वाई बी आपका बस बार का है. द कनेक्शन ऑफ लैम्प एल वन एल टू एंड एल थ्री आर शोन फॉर टू ब्राइट वन डार्क लैम्प मेथड. जो कनेक्शन हमने ऊपर दिखाए हैं डायग्राम में, वो तीनों लैम्प के कनेक्शन हमने टू ब्राइट एंड वन डार्क लैम्प मेथड के लिए किए हैं. ठीक है, समझ लो. इफ द वोल्टेजेस आर अज्यूम इक्वल, जर अपन तिथले वोल्टेजेस अज्यूम केले इक्वल आहेत, बट द फ्रिक्वेन्सीज आर स्लाइटली डिफरंट, पण तिथल्या फ्रिक्वेन्सीज स्लाइटली डिफरंट आहेत असं जर आपण अज्यूम केलं. विथ अल्टरनेटर अज्यूम फास्टर, आणि आपण असं अज्यूम करतो की तिथलं अल्टरनेटर हे फास्टर असणार आहे त्याची स्पीड. ठीक आहे, म्हणजेच आपण वोल्टेजेस जे आहेत ते इक्वल अज्यूम केले आणि फ्रिक्वेन्सी स्लाइटली डिफरंट आहेत, आणि तिथलं अल्टरनेटर हे अज्यूम केलं आपण फास्टर आहे, तर तिथला फेजर ग्रुप जो आहे आर वन वाय वन बी वन तो रोटेट होईल फास्टर दॅन दी फेजर आर वाय बी इन दी अँटी क्लॉक वाईज डायरेक्शन. आर वन आर वाय बी अँटी क्लॉक वाईज डायरेक्शन मध्ये जो फेजर आहे त्याच्यापेक्षा फेजर ग्रुप आर वन वाय वन बी वन हा रोटेट होईल आपला फास्टर ना. ठीक आहे, फास्टर स्पीड ना. सो ॲट द शोन पोझिशन्स ऑफ फेजर इट इज सीन दॅट, ये जो यहाँ पे फेजर शो किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ से क्या पता चलता है अपने को, देखो कि वोल्टेज अक्रॉस की एल वन, जो वोल्टेज है आपका एल वन के अक्रॉस में वो क्या रहेगा आपका वी आर बी वन, क्योंकि आपका लैम्प कहाँ पे कनेक्टेड है आर एंड बी वन में, तो ये लैम्प के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो आपका वी आर बी वन रहेगा. वी और बेस में यहाँ पे आर बी वन लिखा है. सो इज अबाउट टू बिकम मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम रहेगा, एंड द लैम्प एल वन इज अबाउट टू ग्लो मैक्सिमम ब्राइट. तो उसकी वजह से आपका लैम्प एल वन वहां पे मैक्सिमम ब्राइट से ग्लो होगा. ठीक है, जो वोल्टेज आहे लैम्प एल वन च्या अक्रॉस मध्ये ते आपण कन्सिडर केले व्ही आर बी वन, ते तिथं मॅक्झिमम असणार आहे, त्यामुळे लॅम्प एल वन हा मॅक्झिमम ब्राईट न ग्लो होणार आहे तिथं. ठीक आहे, सेकंड द वोल्टेज अक्रॉस एल टू, वोल्टेज जे आहे आपलं एल टूच्या अक्रॉस मध्ये, एल टू कशामध्ये कनेक्टेड आहे आपला वाय आणि वाय वन मध्ये, सो व्ही वाय वाय वन हे वोल्टेज असणार आहे एल टूच्या अक्रॉस मध्ये, आणि ते इन्क्रीजिंग असणार आहे मॅक्झिमम कडं. ठीक आहे, व्ही वाय
व्ही वाय वाय वन ही इज इन्क्रीजिंग टुवर्ड्स मॅक्सिमम आणि त्यामुळे द लॅम्प एल टू ग्लोज विथ ब्राईटनेस इन्क्रीजिंग टुवर्ड्स मॅक्सिमम. एल टू हा तिथं ग्लो होईल ब्राईटनेस ना, तो इन्क्रीज होईल त्याच्या मॅक्झिमम कडं, मॅक्झिमम व्हॅल्यू कडं. ठीक आहे, लॅम्प एल टू क्या हो जाएगा आपका, ग्लो हो जाएगा ब्राइटनेस से उसके मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू तक. ठीक है, और थर्ड कंडीशन यह है द वोल्टेज अक्रॉस एल थ्री दैट इज वी बी आर वन. एल थ्री लैम्प कहाँ पे कनेक्टेड है आपका, ये एल थ्री है, बी एंड आर वन में कनेक्टेड है, तो वहां के वोल्टेज अक्रॉस एल थ्री क्या रहेगा, वी बी आर वन इज डिक्रीजिंग, वो डिक्रीजिंग रहेगा आपको वोल्टेज एंड विल बिकम जीरो, वो जीरो बन जाएगा व्हेन आर वन फेजर कोइंसाइड्स विद द बी फेजर. जब आपका आर वन फेजर कोइंसाइड हो जाएगा बी फेजर से तब आपका वी बी आर वन ये डिक्रीजिंग होके बाद में वो जीरो बन जाएगा. एंड देन दस द लैम्प एल थ्री ग्लोज विद अ ब्राइटनेस डिक्रीजिंग टुवर्ड्स लाइट टुवर्ड्स डार्क. तो इसकी वजह से जो लैम्प एल थ्री है आपका वो ब्राइटनेस उसका जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज होता जाएगा डार्क की तरफ. ठीक है, तो ऐसे ये तीन कंडीशन यहाँ पे दिखाए हैं आपके फेजर डायग्राम. नाउ इफ द लैम्प्स आर अरेंज्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल वी कैन सी दैट द ग्लोइंग ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प फॉलो द सिग्नल. अगर वो लैम्प्स आपके अरेंज किए हैं वर्टेक्स पे, ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, देन वी कैन सी दैट, हम वहां पे ऐसा देख सकते हैं कि जो ब्राइटनेस है लैम्प का ग्लो होने का वो ये फेज वो सिक्वेंस ऐसे फॉलो करेगा एल वन एल टू एल थ्री एंड सो ऑन. जो ब्राइटनेस है आप लैम्प ग्लो होने का वो ये सीक्वेंस को फॉलो करेगा एल वन एल टू एल थ्री एंड सो ऑन. ठीक है, जब वहाँ के लैम्प्स हम क्या करेंगे ट्रायंगल के वर्टेक्स पे अरेंज करेंगे तब जो लैम्प ग्लो होने का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका एल वन एल टू एंड एल थ्री एंड सो ऑन. ठीक है, समझ लो कि लैम्प जर अपन वोर्टेक्स जे आहे ट्रायंगलचा त्याच्यावरती जर अरेंज केला. ठीक आहे, लॅम्प्स आर अरेंज ॲट दी वोर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, त्यावेळेस जो लॅम्पचा ग्लो होणे ब्राईटनेस ग्लो होण्याचा जो सिक्वेन्स असेल तो असेल असेल आपला एल वन एल टू अँड एल थ्री अँड सो ऑन. ठीक आहे, दस इफ द अल्टरनेटर इज फास्टर, इफ आपका जो अगर अल्टरनेटर वहां पे फास्टर आहे देन द लॅम्प्स ग्लो अप, तब आपके लैम्प्स ग्लो अप हो जाएंगे एंड बिकम डार्क इन द सीक्वेंस, तब वो डार्क बन जाएंगे आपके सीक्वेंस में एल वन एल टू एंड एल थ्री में. लेकिन कब, जब आपका अल्टरनेटर फास्टर रहेगा तब आपके लैम्प्स ग्लो अप होंगे और वो डार्क बन जाएंगे ये सीक्वेंस में एल वन एल टू एंड एल थ्री में. इफ द अल्टरनेटर इज स्लोअर, आपका अल्टरनेटर अगर स्लोअर है देन द सीक्वेंस गेट रिवर्स, ये सीक्वेंस आपका रिवर्स बन जाएगा, अभी सीक्वेंस बन जाएगा आपका एल वन एल थ्री एंड एल टू. ठीक है, सो हाउ एवर इफ स्लोली द करस्पॉन्डिंग फेजर कोइंसाइड दैट इज आर विथ आर वन, अगर वहां पे फेजर्स आपके स्लोली कोइंसाइड हो रहे हैं एक दूसरे से, यानी आपका आर कोइंसाइड हो जाएगा आर वन से, वाई आपका कोइंसाइड होगा वाई वन से एंड बी आपका कोइंसाइड होगा बी वन से, दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन इंस्टेंट, उसको ही हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन इंस्टंट. ठीक है, वरच्या पॉइंट मध्ये काय सांगितलं आपण की अल्टरनेटर जर फास्टर असेल आपलं तर लॅम्प से ग्लो अप होतील आणि ते नंतर डार्क होतील या सिक्वेन्स मध्ये एल वन एल टू आणि एल थ्री मध्ये, आणि अल्टरनेटर जर स्लोवर असेल आपलं तर सिक्वेन्स हा रिव्हर्स होणार आहे तिथला, म्हणजे सिक्वेन्स असेल आपला एल वन एल थ्री आणि एल टू. त्यावेळेस जर आपला करस्पॉन्डिंग फेजर्स हे स्लोली कोइन्साइड होत असतील एकमेकांसोबत, म्हणजेच आर हा कोइन्साइड झाला आर वन सोबत, वाय हा कोइन्साइड झाला वाय वन सोबत आणि बी हा कोइन्साइड झाला बी वन सोबत, तर ते त्या पर्टिक्युलर इन्स्टंटला आपण म्हटले सिंक्रोनायझेशन इन्स्टंट. आणि या इन्स्टंटला ॲट धिस इन्स्टंट द लॅम्प्स एल वन अँड एल थ्री ग्लो इक्वली ब्राईट, या इन्स्टंटला एल वन आणि एल थ्री लॅम्प जे आहेत ते इक्वली ब्राईट न ग्लो होतात, वेर ॲज लॅम्प एल टू बिकम्स डार्क, तिथला लॅम्प एल टू हा डार्क होतो. ठीक आहे, सो ऍट धिस इन्स्टंट द सिंक्रोनाइझिंग स्विच इज क्लोज, या इन्स्टंटला तिथला सिंक्रोनाइझिंग स्विच हे क्लोज होणार आहे आणि अल्टरनेटर गेट कनेक्टेड टू दी बस बार, आपला अल्टरनेटर तिथल्या बस बारला कनेक्ट होणार. क्लिअर आहे, सो दिस इज कॉल्ड एज टू डार्क
वन सॉरी टू ब्राइट वन डार्क मेथड, ठीक है। तो ह्याचे हे कनेक्शन आपण पाहिले की लॅम्प मेथड आहे, क्लियर आहे। नाउ उसमें सेकंड जो मेथड है आपका वो है सिंक्रोनोस्कोप मेथड, ठीक है। सो सिंक्रोनोस्कोप मेथड जो है सिंक्रोनाइज करने का अल्टरनेटर का बस बार से, वो सिंक्रोनोस्कोप मेथड यहाँ पे देखना है। तो सिंक्रोनोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट्स बाय मीन्स ऑफ अ रिवॉल्विंग पॉइंटर द फेज डिफरेंस एंड फेज फ्रिक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेजेस ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर एंड बस बार। सिंक्रोनोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो वहां पे आपको इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, जो आपका पॉइंटर वहां पे रिवॉल्व हो रहा है उसके मीन से वहां पे जो फेज डिफरेंस एंड फ्रिक्वेंसी डिफरेंस रहेगा आपका वोल्टेज वोल्टेज का इनकमिंग अल्टरनेटर एंड बस बार का, ठीक है, वो इंडिकेट करने का काम ये रिवॉल्विंग पॉइंटर वहां पे करता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सिंक्रोनोस्कोप, ठीक है। सिंक्रोनोस्कोप म्हणजे एक असं इंस्ट्रुमेंट आहे जे आपल्याला रिव्हॉल्विंग पॉइंटरच्या साह्यानं तिथला जो फेज डिफरन्स आहे आणि फ्रिक्वेन्सी डिफरन्स आहे व्होल्टेजेसमधला इनकमिंग अल्टरनेटर आणि बस बारच्या, ठीक आहे, इनकमिंग अल्टरनेटर आणि बस बारच्या व्होल्टेजेसमधला जो फ्रिक्वेन्सी डिफरन्स आणि फेज डिफरन्स आहे तो रिव्हॉल्विंग पॉइंटर इंडिकेट करण्याचं काम करतं आणि त्या इंस्ट्रुमेंटला म्हणतो आपण सिंक्रोनोस्कोप, सिंक्रोस्कोप, ठीक आहे। तो सिंक्रोस्कोप इज अ स्मॉल मोटर, ये एक स्मॉल मोटर होता है हैविंग स्टेटर एंड रोटर वाउंड फॉर टू फेजेस। उसमें स्टेटर होता है और आपका रोटर होता है और वो वाउंड किए होते हैं दो फेजेस के लिए। सिंक्रोस्कोप एक स्मॉल मोटर होता है जिसमें स्टेटर एंड रोटर वाउंड किए होते हैं आपके टू फेजेस के लिए एंड इस स्टेटर इज सप्लाइड फ्रॉम बस बार थ्रू पीटी, और उसके स्टेटर को हम सप्लाई करते हैं बस बार थ्रू पीटी के हेल्प से, ठीक है। उस स्टेटर को सप्लाई देते हैं हम बस बार से थ्रू पीटी के जरिए, ठीक है। एंड रोटर इज सप्लाइड फ्रॉम द इनकमिंग अल्टरनेटर, रोटर को हम सप्लाई देते हैं इनकमिंग अल्टरनेटर से थ्रू अनदर पीटी, वहां पे दूसरा एक पीटी यूज किया होता है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर यूज किया होता है, ठीक है, और उसके हेल्प से हम रोटर को सप्लाई देते हैं इनकमिंग अल्टरनेटर से। एंड पॉइंटर इज अटैच टू द रोटर, और आपका पॉइंटर जो है वो अटैच किया होता है वहां के रोटर को, ठीक है। सिंक्रोनोस्कोप म्हणजे एक स्मॉल मोटर असते ज्याच्यामध्ये स्टेटर आणि रोटर वाउंड केले जातात दोन फेजेस साठी, आणि त्या मोटरचं जे स्टेटर आहे त्याला सप्लाय दिला जातो बस बार कडून पीटीच्या साह्यानं, आणि रोटरला सुद्धा सप्लाय दिला जातो इथल्या इनकमिंग अल्टरनेटर कडून पीटीच्या साह्यानं, दुसऱ्या एका पीटीच्या साह्यानं, आणि तिथं पॉइंटर जो आहे तो आपला अटॅच केलेला असतो तिथल्या रोटरला। सो व्हेन इनकमिंग अल्टरनेटर इज रनिंग फास्ट, जेव्हा आपलं इनकमिंग अल्टरनेटर हे फास्टली रन होत असतं, दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर इज हायर दॅन दॅट ऑफ द बस बार, म्हणजे जी फ्रिक्वेन्सी आहे इनकमिंग अल्टरनेटरची ती जेव्हा बस बारच्या फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त असते हायर असते तेव्हा आपलं इनकमिंग अल्टरनेटर हे फास्टली रन होत असतं रोटरपेक्षा, अँड हेन्स पॉइंटर मूव्ज इन द क्लॉक वाईज डायरेक्शन। आणि त्यावेळेस इनकमिंग अल्टरनेटर जर रनिंग फास्ट असेल रोटरपेक्षा तर पॉइंटर आपला क्लॉक वाईज डायरेक्शन मूव केला जातो, क्लिअर आहे। इथं दिलेलं आहे तुम्हाला हे पहा, इथं हा मेन बस बार आहे आपला, ठीक आहे, हा इनकमिंग मशीनचे हे टर्मिनल्स दाखवलेले, देन हिअर इज द स्टेटर वाउंड फॉर टू फेजेस, ये जो है स्टेटर आपका दो फेजेस के लिए वाउंड किया है, और रोटर वाउंड फॉर टू फेजेस, रोटर भी आपका टू फेजेस के लिए वाउंड किया है। ये पॉइंटर है आपका, ये स्लो स्पीड रहेगा, इधर फास्ट स्पीड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये इनकमिंग अल्टरनेटर के टर्मिनल्स है आपके आर डैश वाई डैश एंड बी डैश, और ये आपके बस बार के टर्मिनल्स है आर वाई बी, ठीक है, और इसको यहाँ पे सिंक्रोस्कोप कनेक्ट किया है जो ये है आपका, और इसमें एक पॉइंटर है। अगर पॉइंटर इधर मूव होता है तो ये स्लो स्लो की तरफ मूव हो जाएगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी, और अगर पॉइंटर इधर मूव हो जाएगा तो वो फास्ट से रोटेट होगा, यानी आपकी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, क्लियर है। सो व्हेन द इनकमिंग अल्टरनेटर इज रनिंग स्लो, पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि जब अल्टरनेटर फास्टली रन हो रहा है रोटर से ज्यादा स्पीड से तब पॉइंटर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ठीक है।
अल्टरनेटर की स्पीड क्या रहेगी, तब फास्टर रहेगी रोटर से, तब ये पॉइंटर जो है आपका वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव होगा। एंड व्हेन द इनकमिंग अल्टरनेटर इज रनिंग स्लो, अब ये इनकमिंग अल्टरनेटर अगर स्लो रन हो रहा है रोटर से, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर इज लोअर देन दैट ऑफ द पल्स बार। यानी यहाँ पे ये इनकमिंग अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो बस बार फ्रीक्वेंसी से लोअर रहेगी, तब आपका इनकमिंग अल्टरनेटर स्लो स्पीड से रन हो रहा होगा वहाँ पे। एंड द पॉइंटर मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब ये पॉइंटर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव हो जाएगा। ठीक है, समझ लो इनकमिंग अल्टरनेटर चीज स्पीड स्लोअर असल रोटर पेक्षा, तर पॉइंटर हा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ने मूव होणार आहे, आणि स्पीड जर इनकमिंग अल्टरनेटर ची जास्त असेल तर पॉइंटर हा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ने मूव होणार आहे। एंड वेन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर इज इक्वल टू दॅट ऑफ द बस बार, आणि जर फ्रिक्वेन्सी जी आहे इनकमिंग अल्टरनेटरची आणि बस बारची ही जर इक्वल झाली तर नो टॉर्क ऍक्ट्स ऑन द रोटर, रोटरवरती कुठलाच टॉर्क आपला ऍक्ट होणार नाहीये। अँड पॉइंटर पॉइंट व्हर्टिकली अपवर्ड, पॉइंटर हा व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये इथं पॉइंट केला जाईल, म्हणजेच ती असेल आपली 12 o'clock पोझिशन, म्हणजे 12 वाजल्यानंतर जशी पोझिशन असते घड्याळमध्ये तसेच पॉइंटरची डायरेक्शन असेल आपली पॉइंटर पॉइंट व्हर्टिकली अपवर्ड, दॅट इज 12 o'clock पोझिशन। सो इट इंडिकेट द करेक्ट इन्स्टंट फॉर कनेक्टिंग द इनकमिंग अल्टरनेटर टू द बस बार। अभी ये 12 o'clock पोजिशन हमें यहाँ वहाँ पे इंडिकेट हो गई कि वही करेक्ट इंस्टेंट होता है आपको कनेक्ट करने है, अगर कनेक्ट करना है इनकमिंग अल्टरनेटर को बस बार से तो वही आपका करेक्ट इंस्टेंट वहां पे इंडिकेट कर रहा है अगर हमें वहां पे 12 o'clock की पोजीशन मिलती है तो। ठीक, समझ लो। सो दिस इज कॉल्ड एज सेकंड मेथड, दैट इज सिंक्रोस्कोप मेथड। क्लियर है? ऐसे दो मेथड्स हमने आज के लेक्चर में देखे, एक देखा हमने सिंक्रोनाइजिंग द इनकमिंग अल्टरनेटर टू द बस बार विथ लैम्प मेथड, फर्स्ट मेथड देखी हमने लैम्प मेथड जिसमें तीन मेथड्स है, टू ब्राइट वन डार्क लैम्प मेथड, दूसरी है थ्री डार्क लैम्प मेथड और ऑल डार्क लैम्प मेथड, तीसरी है आपकी थ्री और ऑल ब्राइट लैम्प मेथड। ऐसे तीन मेथड्स हैं, उसके कनेक्शंस, उसकी फेजर डायग्राम हमने एक्सप्लेनेशन में देखा। और दूसरी मेथड देखी हमने सिंक्रोनोस्कोप मेथड, सिंक्रोस्कोप मेथड। ठीक है, अल्टरनेटर को बस बार से अगर सिंक्रोनाइज करना है तो ये मेथड वहाँ पे यूज की जाती है, सिंक्रोस्कोप मेथड। ठीक है, तो ऐसे दो मेथड्स हमने आज के लेक्चर में देखे, तो इसमें किसी को डाउट्स है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके एडिशनल नॉलेज के लिए थे, ये दोनों मेथड्स एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थे, ये आपके सिलेबस में आइस के इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये मेथड बोल दिया है। ठीक है, एक्चुअली पैरेलल ऑपरेशन भी आपका यहाँ पे आइस की में इंक्लूड नहीं किया है अल्टरनेटर में। ठीक, तो जहाँ तक हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे वहाँ तक ही आपका अल्टरनेटर का सिलेबस है आइस की में, तो इसके हिसाब से अपना थर्ड चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, दैट इज थ्री फेज अल्टरनेटर यहाँ पे अपना खत्म होता है। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं तक के लेक्चर में, इन तीनों चैप्टर में आप तो किसी को डाउट है तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।